ग्वालियर से 2 दिसंबर को दिल्ली के किसान कूच करेंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए ग्वालियर से किसानों का जत्था जाएगा। राशन पानी और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। डबरा, चिनोर, भितवार, मोहना, शिवपुरी के किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए, हमारे प्रदेश देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। आज तक किसी ने सोचा था कि किसानों को घर बैठे राशि मिलेगी, खाते में आएगी 6,000-10,000 रुपए हो गई जो, तो किसानों के हित की बात, किसानों के कोई समस्या होगी तो उसको प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी उसका निराकरण करेंगे। ये कुछ लोग राजनीति, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक नकारात्मक राजनीति करने का काम है वो कर रही है। मध्य प्रदेश में कॉलेजों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अनोखी पहल की है। अब कॉलेजों के छात्रों को दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। सुबह 7 से 8 और 8 से 9 बजे तक 2 क्लासेस लगेंगी। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की समय सारणी जारी की है। ये समय सारणी सभी कॉलेजों में लगाई जाएगी, साथ ही मैसेज के जरिए बच्चों को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जिन बच्चों के घर टीवी नहीं है वो ग्राम पंचायत और सामुदायिक भवन में जाकर टीवी के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं।